Ukraine. Why you not fish the Crimea? Why you not? ये सब जो सीन हो रहा है ना 26 जनवरी के लिए हो रहा है। ये देख सकते हो, ये रहा राइडिंग जैकेट। ज़ीनोसो का बैग बहुत क्रेजी लगता है। Alright, so guys, welcome back in another new fresh vlog. अगर आप चैनल पे नए हैं तो please like और subscribe कर देना। मैंने सोचा था हम वीडियोस में जाएंगे गुलमर्ग, सच्ची बता रहा हूँ, लेकिन इतना सा भी बर्फ नहीं है। गुजरात में बर्फ गिरी है एंड यहाँ पे नहीं गिरी है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है सही हमारे साथ क्या हो रहा है। ये रहा हमारा हलक, कुछ जल्दी से कोल्ड स्टार्ट करते हैं एंड बाहर की तरफ निकलते हैं। ये रहे हमारे लावारिस बिल्ली के बच्चे। गाइस क्या खतरनाक क्रेजी धूप है, अलग ही फील आता है धूप में बैठने का भाई। तो फिलहाल के लिए गाइस अभी जैसे मैंने मोटो व्लॉगिंग सेटअप पहन लिया है, आज मेरे को कोल्ड स्टार्ट ना बाहर करना पड़ा। उसका रीजन ये है, स्टार्टिंग में कोल्ड स्टार्ट में इतनी ब्रूटल आवाज होती है, फिर जब ये हीट अप होती है ना फिर आवाज की थोड़ी सी कम हो जाती है। ज़ीनोसो का बैग बहुत क्रेजी लगता है। कोल्ड स्टार्ट हो चुकी है, हल्का सा रेव करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। दिन में थोड़ी सी कम ठंडी होती है, थोड़ा सा हम हल्को भगाते हैं। मेरे चलाने पे भरोसा कर, मैं आराम से चलाऊंगा। शौक भी है मेरे को। नहीं कंट्रोल अगर करेगा देख मैं बताऊंगा बात तेरे को। आराम से आराम से आराम आराम से है? उधर से खुला नहीं है, मार रहे क्यों है? गाइस बोल रहे हैं वहाँ पे पुलिस मार रही है, लाठी चार्ज। आराम आराम से जाना पड़ेगा। ये स्पीड ब्रेकर है, ये पहाड़ है। सो फिलहाल के लिए अभी हम चल रहे हैं गलियों गलियों से, देखो आगे भी पुलिस वाले हैं। डाउनटाउन की गलियां बहुत खतरनाक होती है जैसे आप लोगों को पता है। भाई मेरे को बताइए कहाँ से मेरे को ला रहा है, मेरे को यहाँ से बाइक मुड़नी भी चाहिए। भाई क्या खतरनाक जगह है। कहाँ यहाँ से नहीं जाएगी, कहाँ कहाँ से लाया तुम्हें मेरे को सही में? ये सब जो सीन हो रहा है ना 26 जनवरी के लिए हो रहा है। के डर गया। अभी चेक कर सकते हो ट्रैफिक जाम, खींचने का इतना सा भी था, मूड नहीं बनता है। सॉरी तो कहानी खत्म। सॉरी क्यों, मैंने कहा मैं गलती हूँ तो गाली किसके लिए दे रहा। सॉरी हो जाता है ठीक है ओके। ऐसी वाली सिचुएशन में ना कुछ भी सीन हो सकता है, जब पाँव से गाड़ी चढ़ेगी ना फिर पता चलेगा क्या सीन होगा। एंड अंकल जी ओल्ड भी थे, मैंने बोला आजकल सॉरी हो जाएगा तो सीन खत्म हो गया। फिलहाल के लिए गाइस अभी जैसे हमने फ्यूल अप कर दिया, लेकिन फ्यूल अप करने से ना भाई कुछ फायदा नहीं होता है क्योंकि ये बाइक बहुत पेट्रोल पीती है। और सो फाइनली गाइस फिलहाल के लिए अभी पहुंच चुके हैं कम्यूट ऑटोमोबाइल्स के पास। यहाँ पे हमें लेना है अपना राइडिंग जैकेट जो कि यहीं पे अवेलेबल है। चलिए भाई। गाड़ी बहुत गर्म हो गई क्योंकि आज मैंने भगाई बहुत। भैया ये क्या लगा के रख दिया आपने यहाँ पर? ये मंदिर है पास। मंदिर। सफलाल के लिए गाइस अभी आ चुके हैं हम। सफलाल के लिए गाइस ये देख सकते हो, ये रहा डीएजी का डबल एक्सल जो कि मैं ढूंढ रहा था, बट मैंने सोचा मैं डाइट करूंगा मैं पतला हो जाऊंगा तो हम एक्सल लेंगे, क्योंकि मैं और पतला हो जाऊंगा तो फिर ये बहुत ढीला हो जाएगा, क्योंकि देख सकते हो ये डबल एक्सल है। भैया किस साइज का है? मैं लगा रहा हूँ। ये रहा एक्सेल, ये करते हैं अब चेक, आई होप इसकी फिटिंग सही आए।
मैं सोच रहा हूँ गाइस मैं लगाऊंगा एक्सेल, वो बहुत सही है। सो फिलहाल के लिए गाइस ये देख सकते हो, ये रहा एक्सेल एंड ये साइज मेरे को बहुत ही कंफर्टेबल लग रहा है। तो ये रहा लोअर डीओजी का एंड ये रहा अपर, भाई बहुत क्रेजी है, फिटिंग देख सकते हो पूरी जबरदस्त। सो गाइस फिलहाल के लिए हो चुका है पैक। सो फिलहाल के लिए गाइस ये देख सकते हो, ये रहा राइडिंग जैकेट। चल टेक केयर। अभी आप लोग सोच रहे हो कि मैं इतना जल्दी राइड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को काम है। अभी जल्दी से जल्दी मेरे को घर पहुँचना पड़ेगा, नहीं तो पंगा हो जाएगा। 26 जनवरी जैसे ही स्टार्ट होने वाला है, देख सकते हो हर जगह पे नाके शाके लगने स्टार्ट हो गए हैं, घर से कॉल्स पे कॉल्स आ रहे हैं। Oh.